अगर बाबर आजम पूरी जिंदगी बात बताएगा तू, अगर बाबर आजम पूरी जिंदगी ऐसे होके कमर के बल पे यूं मार दे, मैं क्रिकेट में बोलना छोड़ दूं। देखो मैच ही नहीं बता भाई, भाई हम उन लोगों में से जिनके घर वालों ने साफ क्या रखा था, मैडम मैच के लिए क्या करेगा, बिगड़ जाएगा तू बाकियों के साथ, घर नहीं रहे। लेकिन यह इंडिया पाकिस्तान का मैच हम लोग देख लेते हैं और अकॉर्डिंग टू जो चल रहा है, अगर सट्टेबाजी वाली हरकतें ना हुई जिसे हर बार कहा जाता है, सट्टेबाजी तो जरूर होती है भाई, होती है, तो एक होता है जब सट्टा एक लेवल से ऊपर पहुँच जाता है तो पाकिस्तान जिताना पड़ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर सट्टे वाली हरकतें ना करें जैसा हम सुनने को आता है, भाई इंडिया जीते ही है। आयुष भाई तुम क्या कहना चाहते हो इस मुद्दे पे, कल कौन सेंचुरी मार रहा, अच्छा ये बताओ चलो। कल भाई आस्था सेंचुरी मार रही है, आस्था से आस्था सेंचुरी मार रही है, तो यार तुम आस्था भी देखेगी भी लोग भाई, तेनू कहेगी मुझे सेंचुरी लगवा रहे हैं मेरा बेटा चढ़ा दिया पता चला था भाई, बहन का ये ब्लॉग अंदर मेरे नाम के ले रहे हो भाई, वो तो कोई भी हो सकती है, मैं तो मेरे घर के नीचे वाली की बात कर रहा हूँ। अच्छा बताओ सही कौन मार देता है भाई, देखो भाई विराट कोहली मार देता भाई, उनकी तरफ का बॉलिंग लाइनअप तो खुद कर रहा है इस टाइम, ये बताओ माना बोल मैं नेपाल के साथ देख के सीन कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं नेपाल को हरा के, मतलब नेपाल ने 126 पे चार कर दिए, तो भाई पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप कब खराब रहा है ये बताओ, वो तो बात सही है, पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप कभी खराब नहीं रहा, हाँ वो तो बात सही है, बैटिंग भी कोई चीज़ होती है, हमारे भी लाइनअप क्या खराब थोड़ी है, खराब तो नहीं है लेकिन मैं हमारी तो बैटिंग सही है, बैटिंग हिलती रहती है, दिक्कत ये है अगर देखा जाए तो। अच्छा क्या दिक्कत हो, चलो बॉलिंग लाइनअप अच्छी है ज्यादा, तो क्या कर लेंगे कम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप मतलब अच्छी भी है, ठीक है तो ज्यादा क्या करेंगे सर, टारगेट तो छोटा करवा सकते हैं ना, वो टारगेट छोटा तो इंडिया का तो थोड़ा बॉलिंग में इशू है ना, मतलब मैं बता तो रहा हूँ टारगेट छोटा कहाँ इशू है, बुमराह तो रहा पूरे बम, बुमराह आ रहा है लेकिन अभी तो बहुत चार साल बाद तो वही तो दिक्कत है, मीम्स वाले भी कह रहे हैं बुमराह अब तो कुछ शर्म कर ले, अब तो कुछ शर्म कर ले, तो भाई वही शर्म ही तो काम आई है, मगर तुम्हारे यार मेरी दिक्कत रहेगी, हम कर लेके रहेंगे काम पे और मैच चल रहा होगा वहाँ। इसमें भी भाई एशिया कप में भी जो है ग्रुप बनाए तीन तीन के ग्रुप है, उसमें से भी दो दो निकलेंगे और फिर उन टॉप फोर में होगा मैच, वो टॉप फोर होंगे फिर उसके बाद उसमें से टॉप टू निकलेंगे उनका फाइनल, इस बार पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका भी, श्रीलंका भी, श्रीलंका इंडिया की वजह से होस्ट करने पड़ा उसे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा सकती, श्रीलंका में सारे मैच इंडिया के, वो तो है ही भाई, वहाँ अगर चली गई तो फिर वो नहीं जाएगी, गेम थोड़ी होगा फिर, गेम थोड़ी होगा वहाँ पे, अरे पत्थरबाजी होगी सर को चली है, सबसे पहले पकड़ ली रोहित सर होगी, तू आनेंगे को मोटू पेट, तो भाई वहाँ तो जा ही नहीं सकती यार, ना नहीं सबसे सिंपल चीज है ना जाने में ही बताइए, वो तो है ही जाना भी नहीं चाहिए यार, ठीक है पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान पाकिस्तान भाई, वहाँ फायरिंग शुरू हो जाएंगे बल्ले वाले बाद में आएंगे, अंदर पहले हथियार आएंगे बाद में, बॉल बॉल की जगह बुलेट से खेल रहे होंगे, पता चला जैसे होता ना एक बजट की बात आ जाती है कि उनको लाने का बजट ना निकालना, पता चला हमारे लिए क्या होगा अलग से बुलेट प्रूफ मंगवानी पड़ रही है, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ हमारे बुलेट प्रूफ, वैसे इस टाइम पर टक्कर तो बराबर की रहेगी, हाई प्रेशर रहेगा मैच, भाई प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर रहता है, इंडिया पाकिस्तान एक ही जना है उस मैच को, पता है उस मैच को बाबर आजम तक भी नहीं झेल पाता, बस एक विराट कोहली ऐसा बनता है जो झेल लेता है, इसका फिटनेस लेवल है भाई, विराट कोहली डिफरेंट लेवल का प्लेयर है, अगर वो कुछ टाइम और खेल ले चाइना प्रोडक्ट की तरह चले तो चांद तक नहीं तो शांत, मगर वो ज्यादातर पाकिस्तान के खिलाफ जल्दी चलता है, उसके जैसे पीछे से देखे रिपोर्ट पाकिस्तान के लोग है ही, लेकिन अगर कुछ टाइम और वो खेले सचिन तेंदुलकर से भी ऊपर जाने जा सकता है आराम से, मगर वो मुश्किल खेल पाएगा मुझे लगता है, नहीं यार जिस लेवल की फिटनेस है हाँ, में क्यों नहीं खेल सकता सचिन तेंदुलकर, सचिन की नहीं थी इतनी फिटनेस, सचिन कितने साल खेला मेरे हिसाब से 37-38 की एज तक, उसने 23 दिन 25 साल खेले हैं लगा लो 16 के साल के बाद,
वही मतलब 40 के अराउंड हो गया, 39, 38, 40 के अप्रोक्स हो गया। विराट कोहली की क्या एज है? विराट कोहली की है 3300 की शायद। 75 सेंचुरी तो विराट कोहली की भी हो गई, 25 सेंचुरी बची है 100 टोने में। कुल मिला के बात ये है, अगर अपनी फॉर्म कंटिन्यू रखते तो उसके लिए तो एक साल का नाम है। कुल मिला के बात यह है, जितना जीतना तो पता नहीं, मेरा मजा बहुत आने वाला है। वो तो आएगा, बस देखते टीवी कितने फूटने हैं। टीवी तो पाकिस्तान में फूटते हैं, इंडिया में फूटते नहीं है भाई, ये बात तो है भाई। अभी तो वो भी कॉन्फिडेंस में होंगे, पिछली बार हराया था एशिया कप में, ही हराया था और कहाँ हराया था। किसने? पाकिस्तान ने एशिया कप में थोड़ी चैंपियंस ट्रॉफी मराया था भाई। नहीं, एशिया कप में भी हराया, फाइनल मैच में चैंपियंस ट्रॉफी मराया था। फाइनल में था, फाइनल मैच फाइनल नहीं, सेमीफाइनल फाइनल ही था जब वो गया फाइनल में भी, लेकिन उसका एशिया कप भी तो हराया इंडिया को T20 में। नहीं, T20 में इंडिया ने हराया था। नहीं यार, सही बात है, चैट या फिर गूगल वाट सब चैट जीपीटी से पूछना। मेरे हिसाब से तो भाई हराया था। अरे नहीं, चैट जीपीटी से पूछो तो, पूछो चैट जीपीटी से, बताओ भाई। तो ये दिन भी आ गए कि चैट जीपीटी से पूछो। ये देख लिया, सुपर 12 में वर्ल्ड T20 में हराया था, इंडिया ने हराया ये भाई, इंडिया जीती है। सही बात है, ये तो जीती हुई है एशिया कप में था। एशिया कप देखो, लास्ट एशिया कप मैच इंडिया ने हराया है ये पाकिस्तान ने। हाँ भाई, ये था जहाँ पाकिस्तान जीती थी। पाकिस्तान जीती है तो 182 से 181 इंडिया ने बनाए थे, 182 पाकिस्तान ने। भाई मजदूर पे डिपेंड करता है, हम देखेंगे कि नहीं भाई। इस टाइम टीम बताऊँ, अफगानिस्तान की सबसे बढ़िया हो रही है। वर्ल्ड कप तो पहले एशिया कप देख लो, पहले वर्ल्ड कप बाद में देखियो। वर्ल्ड कप की कह रहा हूँ मैं, वर्ल्ड कप तो अक्टूबर में ही है, 15 अक्टूबर से। वर्ल्ड कप की बात टीवी क्या यार, ऑफिस भी तो है यार, टीवी तो जब बात अच्छी घूम कर ऑफिस में कनेक्ट कर लूंगा मैं। कल रोहित शर्मा मारेगा, रोहित शर्मा मारेगा कल, पर मुश्किल है मुझे लगता है रोहित शर्मा। मैं तो ना कोहली चलेगा ना रोहित शर्मा चलेगा, गिल चलेगा, और लास्ट में होता है अगर केएल चला तो वो चलेगा। केएल खेला सूर्य यादव चल सकता है, वापस आ गया ना। हाँ, टीम में तो आ गए लेकिन शुरू के दो मैच नहीं खेले। मर सूर्या है तो चल सकता है या केएल चलेगा? तुम बताओ गाइस, कौन चलेगा? गिल चल सकेगा। कमेंट सेक्शन में करो भाई, पता तो है नहीं कौन चलेगा, मगर भाई हाई वोल्टेज मैच है पक्का। सैमसन को खिलाया तो भाई मैं तो कहूं सैमसन खिलाने से, समझो सैमसन बॉलर में रवि बिश्नोई होना चाहिए, इसको कहां मौका मिल रहा है अभी। मगर भाई टॉप रेटेड आएंगे मेरे हिसाब से समीर रहेगा, और क्या कहते हैं वो दूसरा बुमराह रहेगा, और तेरा वो सिराज में विराट कोहली ना चलता इस बार, ना चल लिख के कह रहा हूँ, नहीं चलेगा भाई। खिलाड़ी तो कोई सा बंधन बना दे, रील्स पे ट्रेंड आई जा सकता, रील्स पे ट्रेंड आई जावे, मगर वही है ना कि अभी जिस चीज का ज्यादा अनल मचा ना वही चलता है जल्दी में, बता रहा हूँ। कब चला लास्ट टाइम, कब चला विराट लास्ट टाइम, कब चला? आईपीएल में भी थोड़े बहुत मैचों में चला, मुझे लगा शतक मारे तो आईपीएल में। हाँ, दो मारे वो अलग चीज है, 600-650 कितने सालों बाद चला है। तो तुम्हें वो दे, तुमने वो सुना रिंकू सिंह ने अभी लास्ट ओवर में जिता दिया हमने अलीगढ़ का, ये रिंकू मतलब चेस करते वक्त मार रहा है वो पांच, ये भी तो देख रहा है, पांच ही चाहिए सबसे बड़ी बात। बहुत तगड़ा मैच था, और इसने छाप छोड़ दी, विश्वास नहीं मानोगे। मैं गाँव में था, गांव में मैं मैच देख रहा लाइव, और लास्ट ओवर बचा, मैंने कितने रन कौन बनाएगा, मैं चाचा देख रहे, मैंने आ गया साइड में, मैंने ऑडियंस उठ के जान लगी, अभी मैं चाचा है बाहर जान लगी ऑडियंस उठ के। हां, कलकत्ता अबे टीवी बंद हो गए थे इसीलिए तो शाहरुख खान कह रहा कि इसकी मैं इसके इसकी बारात में मैं नाचूंगा। और पता है एक बात और बताऊं, वेस्ट इंडीज में मौका मिल जाता ना, वेस्ट इंडीज अब तक की वर्ल्ड कप तक की टिकट पक्की कर लेता गारंटेड, अगर वेस्ट इंडीज में मौका मिल जाता है पाकिस्तान वाले क्या हल्ला मचा रहे हैं उसमें, तुम्हें पता है पाकिस्तान वाले कि हैरिस क्या नाम होगा, हैरिस खौफ रॉफ, कि वो भयंकर ऐसे से मार देगा उसकी इतनी वो मतलब टॉप रेटेड पे चल रहा है वो बॉलिंग में। अरे वो 23 साल का जो है, हाँ, जो कुछ
अफरीदी नाम से एक बॉलर है, शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी, शाह अफरीदी, और एक ही है तुम्हारा रॉफ, आमिर बढ़िया था, आमिर ने जिससे बॉल कर लिया, मेरे को तो एक ही पता है जो जो मोहम्मद आमिर भी बहुत तगड़ी बॉल करा रहे हैं, मतलब कौन मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, पर मगर भाई इस टाइम बताऊं कि नेपाल को हरा कितना खौफ वो कर रहे हैं, बाबर आजम वो और क्या कहते हैं दूसरा एक चाचा चाचा करके जो है नेपाल, उसमें भी तो पहुंचा था इस बार, किसमें यार इनका क्वालिफिकेशन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में, तो लोग रील्स भी तो बना रहे थे ये कहां से आ गया, ये कौन है और दूसरी बात क्या है ना कि इंडिया पाकिस्तान की टीम वो टीम जो वो है ग्रुप बने हुए दोनों उसमें सिर्फ नेपाल ही डालते हैं दोनों के बीच में, अगर नेपाल को दोनों तरफ से पीटा जाएगा इधर से भी ले इधर से भी ले, पर इस बार शेड्यूल समझ में नहीं आ रहा यार कुछ है नहीं आ रहा तेरी समझ में, टॉप टॉप टू इधर से और टॉप टू इधर से रहेंगे अगस्त महीने में इंडिया पाकिस्तान नेपाल अगस्त माना अलग ही है भाई, तो तुम देखोगे चंद्रयान थी सक्सेसफुल हो गया और हमारा एक नीरज चोपड़ा मैच में जीत गया, मगर क्या कहते हैं वर्ल्ड कप में जीते इंडिया, मैं क्या कह रहा हूँ इंडिया वर्ल्ड कप में मुश्किल है जीत भी सके अगर 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 क्या कहते हैं विराट कोहली हमेशा फॉर्म में रहा तो, क्योंकि इस बार बताऊँ ग्रुप मैचेस नहीं है सारी टीम से बैठेंगे सारी एक, इस बार फुटबॉल में भी तो हो गया क्वालिफाई इंडिया, हाँ नहीं 56 पोजीशन है उसकी इस बार जो है, अरे ऊपर से नीरज यार 88 सेंटीमीटर का होगा 88.17 क्वालिफिकेशन उसने जो फाइनल में कॉम्पिटिशन